हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज कर दिए हैं टर्म टू के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टर्म टू में हमारे पास टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और जिस बच्चों ने सैम्पल पेपर देख लिया होगा उनको आइडिया हो गया होगा। देखिए, लास्ट टाइम जब सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज किए थे, पेपर से एक दो महीने पहले ही रिलीज किए थे, बट उस टाइम तक हमारा टर्म वन का बहुत सारा सिलेबस हो चुका था, तो बहुत ज़्यादा बच्चे सैम्पल पेपर सोल्व कर पा रहे थे। बट अगर आप इस सैम्पल पेपर की बात करते हो तो आप सबको पता होगा कितने बच्चे सोल्व कर पा रहे हैं। बाकी इसका सोल्यूशन भी मैं आपको करवाने वाला हूँ और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ सैंपल पेपर ऑफ केमिस्ट्री जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए रिलीज किया है सीबीएसई ने। पूरी बात करते हैं कि इस सैंपल पेपर का लेवल क्या था और जो सीबीएसई ने पहले ब्लूप्रिंट दिया था केमिस्ट्री के लिए कि हाँ इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या उस तरह से है, आपको किस पोर्शन को ज्यादा अच्छे से पढ़ना और किस तरह से पढ़ना है, ये सब हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब आप सैंपल पेपर देखते हो लिखा गया है सैंपल पेपर क्वेश्चन 202122 टर्म टू। देखिए बेटा जी, बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे थे कि हमारा जो पेपर है ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव होने वाला है। तो अभी तक सीबीएसई ने ऑब्जेक्टिव सैंपल पेपर तो रिलीज नहीं किया है। मे बी वो सोच रहे हो कि हाँ यार सब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है ना, और मार्च अप्रैल में बोल रहे हैं कि हमारा पेपर होने वाला है। मे बी मार्च एंड और अप्रैल स्टार्टिंग में हमारा पेपर होने वाला है। दो ढाई महीने आप लोग बोल सकते हो कि ठीक ठाक आपके पास है। और अभी हम सब्जेक्टिव के लिए देखते हैं, आपको टाइम दिया गया है 2 आवर्स का एंड मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे वो 35 रहेंगे। अब देखिए, आपके पास क्वेश्चन कितने हैं, 12 क्वेश्चंस रहने वाले हैं प्रॉपर, ठीक है। और आपके क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है वो उसमें 3 क्वेश्चन है जो 2 नंबर के हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। जो सेक्शन बी है वो 4 to 11, ठीक है ना, 4 to 11 है, उसमें 3 मार्क्स के हैं हर एक क्वेश्चन। और सेक्शन सी जो है वो उस क्वेश्चन नंबर 12 मतलब एक ही क्वेश्चन है और वो केस्ट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें कि 5 मार्क्स के आपके बनने वाले हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यूज ऑफ द लॉग टेबल एंड कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। तो देखिए, इसमें 2 न्यूमेरिकल थे जो लॉग से रिलेटेड थे, तो आपको लॉग टेबल देखनी आनी चाहिए, लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए विदाउट लॉग टेबल। बहुत जल्द मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूं बेटा, उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर कभी भी इस चैनल ने टर्म वन में आपकी हेल्प की है, देन मैं आपको बोलूंगा कि अब ये आपका पुश चाहता है, मेरे में भी जोश आएगा दिन रात मेहनत करने का, आपके एफर्ट्स भी बराबर चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास टोटल 6 चैप्टर हैं, गलत बोल रहा हूँ, 7 चैप्टर हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, ये हमारे आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। उसके बाद डी एंड एफ ब्लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हमारे आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और सबसे जो कह सकते हो थोड़ा सा है दिमाग लगाने वाला, वो है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें कि 2 चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें 2+3 2 नंबर का एक क्वेश्चन था एक एक पार्ट का, और एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल था नॉन स्टिक क्वेश्चन से, तो टोटल 5 मार्क्स के। इस तरह से जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था वो 5 मार्क्स का था। देखिए, वैसे तो सीबीएसई मेरे सजेशन मानेगा नहीं, यूट्यूब पे सिर्फ एक ही है जो फेक है जिसकी सीबीएसई मानता है, ये अलग बात है, उसकी 99 जो बातें होती है वो झूठी निकलती हैं, 100 में से एक बात शायद सच्ची निकल भी जाए, उसकी शायद मान ले सीबीएसई, बाकी आई डोंट नो कि मानेगा कि नहीं। बट आई थिंक केस स्टडी में ऑप्शन देना चाहिए था, ये केस स्टडी देख के बहुत लेंथी सी थी, बच्चों को पता नहीं कैसे ही लग रहा होगा। चलिए, सरफेस केमिस्ट्री हमारा 3 नंबर का था, और जैसा कि पहले भी ब्लू प्रिंट में दिया ही गया था कि फिजिकल केमिस्ट्री से 13 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, 13 के ही बने हुए थे। एंड सो सैड बात यह थी कि कोई चॉइस नहीं थी फिजिकल केमिस्ट्री में। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है ना, एक प्रॉपर 3 मार्क का क्वेश्चन था और दूसरा जो 3 मार्क का क्वेश्चन था वो चॉइस में था। अच्छा, सेम चैप्टर से ही चॉइस थी, मतलब डी एंड एफ ब्लॉक में एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो चॉइस में होगा वो डी एंड एफ ब्लॉक से ही होगा। तो 6 मार्क्स डी एंड एफ ब्लॉक का है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा 3 मार्क का है, बट वहां पर आपके पास चॉइस है, आप कोई सा भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, जब मैंने आपको पहले आपको बताया था कि टर्म टू किस तरह से आप लोगों की तैयारी करनी, मैंने आपको बोला था कि सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग चैप्टर रहेगा ना भाई, वो आपका रहेगा
डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 नंबर फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, 2 नंबर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, एंड देन 3 नंबर का आपका क्वेश्चन बन रहा है ये टेस्ट वगैरह से रिलेटेड है। अमाइन से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं, और बढ़िया बात है 2 क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन में चॉइस है। ठीक है, तो बेटा इस तरह से करना है। अब मैं आपको बताऊं कि पेपर का लेवल जो था आप उसे इजी नहीं कह सकते किसी भी हालात में। ये पेपर का जो लेवल था वो बेटा जी मॉडरेट था। ठीक है, पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट ही था। और अब मैं आपको बोलूंगा कि आपको एनसीईआरटी बिल्कुल टिप्स पे कर लेनी है। ठीक है ना, बाद में कैसे हालात बदलेंगे इज अ डिफरेंट थिंग। चाहे आपका पेपर ऑब्जेक्टिव हो, चाहे आपका पेपर सब्जेक्टिव हो, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज द की। और बहुत सारे बच्चे बुक्स का वेट कर रहे होंगे, तो मैंने आपको बोला भी था कि दिनेश पब्लिकेशंस के साथ मिलके बुक आ रही है जिसमें प्रॉपर वीडियो के सॉल्यूशंस भी होंगे, एंड बढ़िया तरीके से सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। उन बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मतलब आप उसे बंडल में खरीद सकते हैं, लाइक पीसीएम की बुक इकट्ठी या पीसीबी की बुक इकट्ठी, जो आपको ठीक लगता है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मैं चैनल को सपोर्ट करने के लिए बोल चुका हूँ, और इस सैंपल पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूँ आज रात को 9 PM ठीक रहेगा, है ना, 9 PM इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, आ जाना सारे बच्चे, और क्लास टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, एंड लाइव ही लगा लेना, अदरवाइज रिकॉर्डेड तो आपको यूट्यूब पर भी मिल ही जाएगा एक दिन में। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, और मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ, हाँ मैंने नए नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं जो बोर्ड्स के साथ साथ जेई नीट लेवल के भी होंगे, प्रॉपर चैप्टर्स को कवर किया गया है। तो बस अभी के लिए बोलूंगा कि प्लीज इस वीडियो को एज स्टेटस पुट कर देना, बस चैनल को यही आप सपोर्ट कर सकते हो, और तो क्या ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, और बेटा जी टेंशन मत लीजिए, जैसे टर्म 1 को फोड़ा है, टर्म 2 को भी उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से ही फोड़ेंगे। ठीक है, 2-2.5 महीने, इन 2-2.5 महीने को बहुत अच्छे से यूज़ करने वाले हैं, एंड रिसेंटली बहुत बीमार था, दैट्स वाई ज़्यादा वीडियोज़ नहीं आ रही थी आज से।